हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे। गाइस, ये है सुबह का टाइम और सुबह सुबह मैं बालकनी को धो रही हूँ। दो तीन दिन से है ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बारिश के कारण जगह जगह ना पानी रुक जाता है, तो मैंने सोचा यार बाल्टी भर के लाऊँ। इससे अच्छा है ना कि इसी पानी से धो देती हूँ, अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ, मिट्टी भी निकल जाएगी और काई जगह जगह जम जाती है। सफाई होती है पर डेली पूरी बालकनी में नहीं होती, आधी में ही होती है। जहाँ जहाँ वाइट टाइल्स है ना वहाँ पर पोछा लग जाता है, ऊँचे वाली पे, वो उधर वाली तो रह जाती है। तो क्या होता है कि काई जम जाती है और चिकनी चिकनी हो जाती है और मैं तो सारे दिन यहीं घूमती हूँ और हस्बैंड पहले ही गिर चुके हैं, तो डर लगता है कि कहीं मैं भी ना गिर जाऊँ सच को लेके। तो मैंने सोचा चलो पानी आ ही रहा है तो इसी पानी से मैं धो देती हूँ। बहुत शर्म आ रही थी धोते वक्त, होता है ना कि मैं बहुत कम निकलती हूँ उस वक्त, बाहर की साइड निकलती हूँ पर सच को लेके या ऐसे ही बैठ जाती हूँ, कभी काम नहीं करती उस साइड जाके। बहुत अजीब सा लगता है, सबके घर आसपास ही है, मतलब बहुत पास पास है, तो अब क्या करें, काम तो करना ही पड़ता है। और काम करने में बिल्कुल शर्म नहीं करनी चाहिए और मुझे तो शर्म नहीं आती बल्कि गर्व महसूस होता है और मैं गर्व करती हूँ जो मैं काम करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है ये सबसे अच्छी चीज़ है। आप अपने घर का काम कर रहे हो, अपने घर को घर की साफ़ सफाई कर रहे हो और जब मैं नहीं कर पाती घर का काम तब बहुत बैड फील होता है। कई बार बीच में तबीयत जब सच हुआ था, सच के होने के बाद मेरा वेट बहुत बढ़ गया था, बहुत वेट गेन कर लिया था मैंने, तब मुझे बहुत फील होता था क्योंकि मेरे से काम उतना नहीं बनता था। मेरे पैरों में बहुत दिक्कतें आई थी क्योंकि मैं बहुत स्लिम थी, बहुत फिट थी और फिट इंसान एकदम से 20 टू 25 केजी गेन करेगा तो उसको बहुत प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि एकदम से पैर वेट उतना उठा नहीं पाते। अभी मैं ला रही हूँ कपड़े, जितने भी कपड़े सूख चुके हैं और जो सूखने वाले उनको रख दिया है मैंने, यहाँ ला के डाले हैं। ये थोड़े सीले सीले कपड़े हैं, दीवान पे ला के डाल दिए। रात को क्या करूँगी, फ़ैन के नीचे सबको फैला दूँगी ताकि इनकी सिलन निकल जाए और कल सारे समेट दूँ। और अभी मैं हस्बैंड के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, हल्दी वाला। अगर मैं उनसे पूछूंगी कि आप लोगे क्या दूध या एप्पल, तो वो हमेशा उनके मुंह से ना ही निकलता है, तो मैंने सोचा आज मैं पूछने वाली नहीं हूँ। वैसे मैं डेली पूछती नहीं, उनके सामने ले जाकर रख देती हूँ। तो अभी मैं उनको दूंगी एप्पल और दूध, उसके बाद मैं दलिया बनाऊंगी तो दलिया दूंगी। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एप्पल दूध दे देती हूँ। तो बस अभी खुद के लिए भी खाना बनाना है, आज मैंने भी खाना नहीं बनाया। और सॉरी गाइस, सच की बहुत आवाज़ आ रही है। और ये है मेरा किंग साइज़ ग्लास, इसमें बहुत सारा मतलब आधा लीटर के आसपास आ जाता है पर उतना वो पी नहीं पाते, इसलिए मैं आधा ग्लास ही दे रही हूँ दूध। और हंसने लग गए थे कि हाँ भाई तू ले ही आई बिना पूछे। और अभी मैं बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्ज़ी और भिंडी बहुत ज़्यादा है तो मैं आधी भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। थोड़ी सी बनानी है, अकेली तो हूँ अब, सच तो नाम का ही खाता है, कोई इतनी थोड़ी ये सब्ज़ी प्रॉपर बड़े लोगों की तरह थोड़ी ना खाता है। तो अभी मैं भिंडी धोकर, अच्छे से धोकर सब्जी बनाऊंगी, दलिया बनाऊंगी, रोटी ये भी मैं बनाने वाली हूँ। और उसके बाद मुझे नहाने जाना है और सच को भी नहलाना है। और सच बहुत आवाज़ कर रहा है पास में, मुझे डबिंग भी नहीं करने दे रहा। जैसे मैं खाना बना रही थी ना, सच ने बहुत तंग करना शुरू कर दिया। अब पहले क्या हो रहा था, हस्बैंड पकड़ लेते थे, वो नहीं पकड़ पा रहे थे। आप देखना, ये देखिए पीछे आ चुका है। मैं जैसे ही खाना बनाऊंगी ना या कुछ भी काम करती हूँ ना, वो या तो डब्बे गिराना शुरू कर देता है, ये देखिए खड़ा हो चुका है मेरा पैर पकड़ के। जितनी देर मैं बनाऊंगी ना उतनी देर मेरा पैर पकड़ के खड़ा रहेगा और मुझे इरिटेट करता रहेगा क्योंकि मेरा जम के पैर पकड़ लेता है, मैं हिल भी नहीं पाती। और ये देखिए और ऐसे ही खड़ा रहेगा और रोता रहेगा। और देखिए पास में डब्बा है ऑयल का, उसने गिरा चुका है। ये भरा रहता तो पूरा गिर जाता, एक बार पहले भी ये गिरा चुका है। और ये देखिए, ये तो कम था इसमें ऑयल। और फिर मैंने बोला बेटा तेरे को कुछ ना कुछ तो कैसे ना कैसे तो पटाना पड़ेगा, कुछ तेरे को देना पड़ेगा ताकि तू, अगर तू थोड़ा सा ये खा लेगा ना तो मेरा काम हो जाएगा। ज़्यादा नहीं फेंकूंगी पर हाँ 10 मिनट में तो कर ही लूँगी, इतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ी सी सब्जी और 2-4 रोटी और दलिया ही तो बनाना था, तो ये टाइम पास कर ही रहा था। मेरे को ऐसा लगा कि जो डब्बा था ना वो मैंने रख दिया पर वो मैंने रखा नहीं था और इसने कांड कर दिया। ये देखिए ये डब्बे से इसने क्या किया पता है, इसने उल्टा कर दिया तेल का और ये मेरा काम इसने यहाँ पे बढ़ा दिया। और मेरी सब्जी हो चुकी थी रेडी, मैंने जल्दी जल्दी तेल को पोछा, सब्जी रेडी करी और अभी दलिए ढक के मैं भिंडी को छोड़ दूंगी, थोड़ी अभी कच्ची है। और ये है दलिया बन रहा है, इसमें भी 1-2 सीटी लगा दूंगी। अभी सच बहुत रोने लग गया था,
बहुत ज़्यादा रोने लग गया था, तो मैंने सोचा भाई अब तो आगे मुझे ना व्लॉग शूट करने देगा ना काम करने देगा, रोटी में नहा धो के इसको सुला के जब मैं इसको सुलाऊंगी तभी मैं रोटी बना पाऊंगी। तो गाइस बस आज का था ये मेरा व्लॉग, और आज के लिए बस इतना ही। बाय।